अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यू आर वाचिंग आरएमआई 45। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। हुकूमत ने नंबरदारों को खुशखबरी सुना दी। नंबरदारी निज़ाम बहाली की तरफ हुकूमत पंजाब का अहम कदम। सूबा भर के 3800 नंबरदार बहाल। नंबरदारों की ग्रांट भी बहाल कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के नंबरदारों के और हुकूमत पंजाब के दरमियान अहम इजलास दरबार हाल में मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारण ने की, जबकि सूबाई वजीर ज़रात और सूबाई वजीर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इजलास में मौजूद थे। बाबर हयात तारण का कहना था कि नंबरदारी निज़ाम को असर नो तश्कील दिया जा रहा है। नंबरदार निज़ाम के तहत नंबरदारों से 22 अकसाम के अहम काम सर अंजाम दिए जाते हैं। बाबर हयात तारण ने कहा कि नंबरदारी निज़ाम से सरकारी अराजी की बाजियाबी में सहूलतकारी, स्कूलों में तलबा के दाखिला को यकीनी बनाना, कुदरती आफात से निपटने समेत दीगर अहम कामों में मदद मिलेगी। बाबर हयात तारण ने मजीद कहा है कि नंबरदारों के लिए नंबरदारी ग्रांट भी बहाल कर दी गई है। याद रहे कि नंबरदारी निज़ाम की बहाली के लिए हुकूमत पंजाब ने अमली इकदामात का बाकायदा आगाज किया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मरासले के मुताबिक नंबरदारों को हासिल सरकारी अराजी वफात या नंबरदार की तब्दीली पर वापस नहीं ली जाएगी। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर फैसला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फुल बोर्ड मीटिंग में हुआ। महकमा रेवेन्यू ने इस हवाले से पाबंदी ख़त्म करने का मरासला पंजाब भर के डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भिजवाया गया था। ज़राए का कहना था कि नंबरदार तकमीर रिकॉर्ड सरकारी वसूलियों को भी देखेंगे, नाजायज़ तजावजात की रिपोर्ट्स भी नंबरदारों की जिम्मेदारी होगी। इस निज़ाम के तहत सरकारी इमारतों को पहुँचने वाले नुकसान बारे रिपोर्ट भी नंबरदारी निज़ाम की जिम्मेदारी होगी। कलेक्टर ज़िला की जानिब से दिए जाने वाले अहकामात की तामील भी नंबरदारों की जिम्मेदारी होगी।